फ्रेंड्स, ये वीडियो है Moto G5S Plus एंड कस्टम रॉम फ्लैश करने वालों के लिए। अगर आप भी ओरियो बेस्ड रॉम फ्लैश करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया है कि ओरियो बेस्ड कस्टम रॉम फ्लैश करने के बाद उनका IMEI नंबर करप्ट हो गया। IMEI नंबर को कैसे रीस्टोर करेंगे, इस पे बहुत सारे गाइड्स आपको ऑलरेडी XDA पे मिल जाएंगे। बट कुछ लोगों ने गाइस ये भी कंप्लेन किया कि उनका जियो सिम काम नहीं कर रहा, इंटरनेट काम कर रहा है बट नो आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स। गाइस, मैंने पिक्सेल एक्सपीरियंस रॉम का रिव्यू किया अभी 2 दिनों पहले एंड 1 हफ्ते से लगभग मैं उसे यूज कर रहा था। रिव्यू के फौरन बाद मैंने सोचा कि दूसरा रॉम फ्लैश करूँ और जैसे ही मैंने दूसरा रॉम फ्लैश किया मुझे सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, यानी इंटरनेट तो काम कर रहा था बट नो इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स। गाइस, कल रात भर में परेशान था कि कैसे अपने डिवाइस को फिक्स कर। गाइस, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपने Moto G5S Plus को फिक्स किया। और गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले, अगर वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी बेचारे काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त इमरान एंड यू आर वॉचिंग आई फोर अनबॉक्स। सबसे पहले तो मैंने इस वेबसाइट से RR वर्जन 6 5 मार्च का अनऑफिशियल बिल्ड रॉम डाउनलोड किया। उसके बाद OpenGL एप्स 64-bit 8.1 नैनो एंड मैजिस्क का वर्जन 16 जिप, ये तीनों जिप फाइल मैंने डाउनलोड किया और अपना दोनों सिम अपने डिवाइस से निकाल दिया। गाइज, उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने डिवाइस को बूट किया रिकवरी मोड पे एंड TWRP टॉप रिकवरी मोड, सॉरी कौन सा वर्जन मैंने यूज़ किया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद जैसे ही बूट होने के बाद रिकवरी मोड में सबसे पहले मैंने वाइप, ये आप देख रहे हो वाइप पे, फिर एडवांस्ड वाइप पे, देन मैंने कौन कौन सा फाइल सेलेक्ट, सॉरी ऑप्शन सेलेक्ट किया, डेल्विक सिस्टम डेटा कैश सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप टू वाइप कर दिया। अब इंस्टॉल, सबसे पहले रॉम फ्लैश किया, फिर जी एप्स, देन मैजिस्क। गाइज, मैजिस्क जो है ऑप्शनल है बट एग्जैक्टली मैंने जो किया वही आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सारे फाइल्स फ्लैश करने के बाद फिर से वाइप पे गया एंड एडवांस्ड वाइप पे मैंने डेल्विक एंड कैश फिर से वाइप किया, देन रिबूट टू सिस्टम। गाइज, ऐसा हो सकता है रिबूट होने के बाद फ़ोन फिर से रिकवरी मोड पे बूट हो जाए, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, फिर से आप रिबूट टू सिस्टम कर दीजिए। गाइज, पूरी तरह डिवाइस सेटअप करने के बाद मैंने तकरीबन 3-4 मिनट के बाद अपने दोनों सिम वापस इंसर्ट किए। ट्रे नंबर 1 पे जियो एंड 2 पे एयरटेल डाला और उसके बाद धड़कते दिल से एक नंबर डायल किया और कॉल लग गया। गाइज, ट्रस्ट मी। गाइज, मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, एग्जैक्टली क्या रीज़न क्या कारण है वापस से मेरा कॉल काम करने का ये कोई डेवलपर ही बता सकता है, बट मैंने जो किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और हो सकता है डेवलपर भी इस सेम प्रोसेस पे फॉलो करके वो समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या कारण बना मेरा इंटरनेट जो है, सॉरी कॉल्स वापस से काम करने का। तो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है गाइज, एंड प्लीज़ देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।